क्या था, आई मीन क्या नाम, क्या शुभम कुमार सक्सेना, कहाँ रहते हो? डिफेंस कॉलोनी ग्वालियर में। ग्वालियर में तो क्या प्रॉब्लम थी तुम्हारी? पेनकेटाइटिस हुआ था मेरे को अप्रैल में, उसके बाद मेरे को उसके बाद पेनकेटाइटिस के बाद मेरे को सिस्ट हो गया था। उसका सिस्ट का मेरा मतलब ड्रेनेज करके मेरा जो निकाला गया है वो एम्स में हुआ था। उसके बाद अभी दोबारा से ड्रेनेज हुआ, फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस आए थे, तो मेरे को फीवर वगैरह आया, तो उन्होंने एक बार और किया मेरा कुछ जो भी किया था, उन्होंने एक बार दोबारा से ESCP करके उसको जो क्या कहते हैं अपना जो भी था वो निकाला उन्होंने, सफाई की। उसके बाद फिर अपना फिर उसके बाद एक बार हुआ, फिर दोबारा से मैं फिर भी मेरे को दोबारा भी आता रहा फीवर कंटिन्यूस, तो मेरे को दोबारा से एडमिट किया गया था। फिर दो बार एडमिट हुआ, फिर उसके बाद फिर छुट्टी हो गया था, फिर उसके बाद घर गया, उसके बाद फिर आपसे दवाई ववाई लिया, फिर उसके बाद ठीक हो गया था। फिर मतलब फिर फीवर ईवर बंद हो गया था। आफ्टर 6 मंथ फिर से वो स्टंट्स वगैरह निकाले गए और अब ठीक है। पर जब से ये आई मीन जब पहले शुरू कर रहा था होम्योपैथी, तब से दर्द वगैरह भी काफी रह रही थी और बुखार वगैरह भी रहता था। हाँ बुखार था उस टाइम पे, रेगुलर आता था। हाँ बुखार आ रहा था मेरे को उस टाइम पे, दर्द तो मतलब नहीं था पर हाँ फीवर कंटिन्यूस आ रहा था। मेरा जो कॉम्प्लिकेशंस था वो यही था कि मेरे को फीवर आ रहा था, तो वही फीवर की वजह एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने के बावजूद भी हो रहा था तब तो। हाँ एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद भी हो रहा था, एंटीबायोटिक्स भी ली मैंने, एंटीबायोटिक्स जो दिया गया था मेरे को एंटीबायोटिक्स के बाद भी मेरे को हो रहा था वो फीवर, तो मतलब आ ही रहा था। अब वो पता नहीं किस कारण आ रहा था, बट फिर उसके बाद अपने आप ही वो फीवर चला गया था। जब से होम्योपैथिक शुरू करी उसके बाद से आई मीन हाँ ऐसा कह सकते हैं फीवर वगैरह बिल्कुल ठीक है। और बाकी जो उसमें जनरल प्रॉब्लम वगैरह कोई भूख वूख का किस तरह की ना, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा भूख लगती, मतलब भूख सही लगती है। कोई कमजोरी वगैरह कुछ ऐसा वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं फील होती? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट भी जब से ठीक ठाक हो गया, वेट जो पहले लूज हो रहा था। हाँ वेट पहले काफी मेरा 75 से रिड्यूस होके 54 हो गया था, तो उसके बाद अभी दोबारा से 60 हो गया, दोबारा रिगेन कर लिया।